दोस्तों, आखिर हमारा प्ले स्टोर से एप्लीकेशन क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा है। हम जब भी प्ले स्टोर पर जाते हैं और किसी भी एप्लीकेशन को जब डाउनलोड करते हैं तो हमारा एप्लीकेशन पेंडिंग दिखाता है और वो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होता है। आखिर दोस्तों, आप लोग उस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और आपको कहीं भी दोस्तों मतलब कि किसी भी वीडियो को वॉच करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग ये वीडियो को देख लेते हो। तो आइए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि कैसे आप लोग इस समस्या को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं अपने सेकंड फ़ोन का यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन को मैं डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। मान लो दोस्तों, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ YouTube। सर्च करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे जैसे अपडेट करते हो, यहाँ पे समस्या ये आती है ना कि आपका पेंडिंग दिखाता है। देख सकते हो, पेंडिंग दिखाता है और डाउनलोड ही नहीं होता है। तो भाई, ये समस्या है तो आप लोग को कैसे ठीक करना है, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो भाई, ये समस्या आने का रीज़न क्या होता है, ये समस्या आने का जो रीज़न होता है ना, वो आप लोग ध्यान से समझो। ये समस्या आने का रीज़न होता है आपकी प्ले स्टोर की सेटिंग, और सेकंड नंबर पे जो समस्या आती है दोस्तों, वो होती है आपकी मोबाइल की स्टोरेज की सेटिंग, ठीक है। और थर्ड वाली जो समस्या आती है, वो आती है कि प्ले स्टोर का अपडेट ना होना, ठीक है। तो यहाँ पे समस्या को ठीक कैसे करना है, ठीक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपल सा करना क्या है दोस्तों, को आपको प्रोफाइल वाले बटन पे ऊपर में प्ले स्टोर का जो प्रोफाइल होता है ना, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग का, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क परफॉर्मेंस का, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो अपडेट एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे कर दो ओवर एनी नेटवर्क और ओके कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो अपडेट ऐप, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे कर दो डोंट ऑटो अपडेट ऐप, ठीक है। इस पर ये हो गया। सेकंड समस्या क्या थी कि प्ले स्टोर का अपडेट ना होना, तो नीचे आना, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अबाउट, तो इस पर क्लिक करना। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलेगा अबाउट अपडेट प्ले स्टोर, इस पर क्लिक करो और आपको जो प्ले स्टोर है अगर अपडेट नहीं होगा तो यहाँ से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे करना क्या है कि मैं जाता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ और YouTube को डाउनलोड करके देखता हूँ कि डाउनलोड मेरा YouTube होता है कि नहीं। यहाँ पे मैं क्लिक किया और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भाई कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होगा, ठीक है। और थोड़ा समय इंतजार करता हूँ, देख सकते हो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो भाई, ये समस्या को ऐसे ठीक कर सकते हैं हम ऐसे, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कि हमारा समस्या अगर फिर भी ये सेटिंग करने के बावजूद अगर नहीं हुआ तो, भाई नहीं हुआ तो रामबाण इलाज बता रहा हूँ, ध्यान से वीडियो देखिएगा। यहाँ पर आपको होम पेज पर आना है, बिल्कुल कट करके। कट करने के आने के बाद यहाँ पर करना क्या है कि प्ले स्टोर पे क्लिक करके रखना है और इसके बाद ऐप इन्फो पे क्लिक करना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे स्टोरेज यूज का, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे क्लियर डाटा के बटन पे क्लिक करो और यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक कर दो। भाई, ये करने के बाद जो मैंने सेटिंग बताई वो दोबारा कर लेना, आपका समस्या 100% सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, मैं बताता हूँ गारंटी के साथ, आपको दिलासा देता हूँ। तो बस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय।